आप मेरे पीछे देखिए, आगे देखिए, इतनी भीड़ है, इतनी जय भोले। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं एक नई इस वीडियो में। आप मेरे सामने देखिए, चारों तरफ ये गंगा जी का एकदम भव्य रूप और कांवड़ियों की बहार इस सावन में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू आगे बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। पीछे जितने भी आपकी जहाँ तक नजर जाएगा आपको भक्तों का भीड़ ही भीड़ दिखेगा। जय भोले, हर हर महादेव। आप जो चारों तरफ ये भीड़ देख रहे हैं कांवड़ियों की, आप भक्तों की भीड़ आप देख के जरूर प्रसन्न चित होंगे। ये 2023 स्पेशल है, खास है। क्या खास है आपको आगे बताएंगे वीडियो में, कंटिन्यू बने रहिएगा। भक्तों की भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सावन महीना कितना खास है। और यहाँ से सभी भक्त आते हैं और जल को कलश में भर करके और यहाँ से अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं। यहाँ पे देखिए, चैन पकड़ के सब लोग नहा रहे हैं। कितना रिस्की है लेकिन अलग ही मज़ा है। यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं है, आप पानी का बहाव देखिए। और इसमें जो चैन पकड़ पकड़ के लोग स्नान कर रहे हैं, और ये जो फुट ब्रिज है उधर से इधर से आने के लिए, उधर उस साइड से इधर आने के लिए। और हर की पौड़ी पर आप चारों तरफ अगर नज़र देखेंगे तो चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है, भक्तों का एकदम मेला लगा हुआ है। इधर आप निःशुल्क जूता स्टॉल है, यहाँ पे आप जूता सबमिट कर सकते हो। तो 2023 का सावन महीना क्यों खास है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये 19 साल के बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि 2023 में सावन महीना 2 महीने का हो रहा है, यानी 58 या 59 दिन का हो रहा है। सावन महीना 4 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और यह कंटिन्यू रहेगा 31 अगस्त तक। आप मेरे पीछे देखिए, आगे देखिए, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। और आपको पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। आरती का समय होने वाला है, आपको आरती भी दिखाऊंगा इसी टाइम पे। और चलिए आरती देखते हैं। अभी गंगा जी की आरती होने में आधे घंटे का टाइम है, उससे पहले चलते हैं गंगा जी में स्नान करते हैं, फिर उसके बाद आपको आरती का दर्शन भी करवाएंगे। तो चलिए गंगा जी में स्नान करते हैं। आप हर की पौड़ी पर जब भी स्नान करें तो काफ़ी ध्यानपूर्वक से स्नान करें, क्योंकि 2 पत्थरों के बीच में 4 से 5 इंच का गैप है। उससे 4 से 5 इंच के गैप में आपका पैर सीधे नीचे जाएगा, 2.5 से 3 फीट नीचे, और उसमें आपको काफ़ी तेज चोट लग सकता है आपकी एड़ी में। और मुझे अभी भी दर्द हो रहा है जो मुझे लगा है। अब गंगा जी में स्नान कर लिए और यहाँ पे आना सफल हो गया और ये कांवड़ यात्रा भी सफल रही। और आप लोगों को कंटिन्यू, और आप कंटिन्यू बने रहिएगा। आपको हो सकता है मैं आरती भी शाम को दिखाने की कोशिश करूँगा, और आरती भी आप देखिएगा, आशीर्वाद लीजिएगा गंगा जी का। भक्तजनों, आरती शुरू होने वाली है, आपको मैं दिखाता हूँ आरती का दृश्य। और यहाँ पे भक्तों का एकदम कहीं भी स्पेस नहीं है, सारे तरफ भक्त ही भक्त हैं। हमारी
वहाँ पे आरती होगा। काफ़ी पसंद आया होगा, तो ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय गंगे माता, जय भोले।